अरे क्या बात है भाई, पुजारी जेल से छूट रहा है। सच में छूट रहा है क्या? ठीक से बता। माँ कसम भाई, वो जेल से छूट रहा है। क्या, पुजारी जेल से छूट रहा है? ए, वो पुजारी बहुत ही खतरनाक आदमी है, तुम लोगों का जीना आराम कर देगा। अब भी वक्त है, जल्दी से यहाँ से निकल लो। मैं तो आज रात को ही अपने गांव भाग रहा हूँ भाई। जान रही तो रोटी भीख मांग कर भी खा सकते हैं, लेकिन उस पुजारी के हाथ लग जाओ तो कहानी का दी एंड हो जाएगा। कल भाई की छूटने की खुशी में अपन एक जबरदस्त पार्टी मनाएंगे। बराबर,
डेकोरेशन करके धूमधाम से मनाएंगे। ना किसी फिल्म स्टार ने ऐसी पार्टी की होगी, ना ही किसी नेता ने ऐसी पार्टी की होगी, वैसी पार्टी हम धूम से मनाएंगे। भाई एक जरूरी खबर है भाई। ए, सारे शहर को पता है, तू अब बता रहे हैं? ये बात नहीं है गुरु, अपन के भाई के ऊपर फिल्म बन रही है। क्या भाई के ऊपर? भाई ये साले फिल्म वाले भाई की बुराई करके उनकी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे भाई। हाँ भाई, आइटम सॉन्ग लव रेप की फिल्म बनाकर भाई के इमेज की वाट लगा देंगे, इसे किसी भी तरह रोकना होगा भाई। कैसे रोकेंगे गुरु, अगले हफ्ते उनका मुहूर्त है। अगले हफ्ते नहीं बल्कि कल सुबह ही मुहूर्त होगा, उस फिल्म का नहीं उस डायरेक्टर का। मेरी बनाई फिल्म अगर लोग देख लेंगे ना तो रामू की सत्या कंपनी सरकार सारी फिल्में भूल जाएंगे, देख लेना। इस तरह की फिल्म बनाई है मैंने। हाँ सर, नमस्ते, आप डायरेक्टर है ना सर? लगता है कोई लल्लू है, इस बकरे को छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे तुम जानते हो क्या? नहीं सर, जानता तो नहीं सर, पर आपका नाम सुना है सर। मेरी पहली फिल्म 420 थी, 100 डेज चली वो। अब एक रिलीज कर रहा हूँ ना, वो कॉमेडी पिक्चर है, बकरे को हलाल कर। सर हलाल कर हो या गुलाल कर हो, मुझे एक छोटा सा रोल दीजिए ना। ए छोटे रोल से क्या होगा, तुम ही हीरो बन जाओ। सर मैं मुंबई में आकर इतनी जल्दी हीरो बन जाऊंगा कभी सोचा नहीं था। देखो तुम्हारे इस मुखड़े पे हीरो बनने के सारे गुण मौजूद है। सर मैं इतना अच्छा दिखता हूँ क्या? अच्छे की बात छोड़ो, तुम हीरो बन गए समझो। अच्छा देख, इस होटल में मेरे 420 रुपए बैलेंस है, वो पहले चुका कर आ जाना, बाद में बात करते हैं। ठीक है, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। हाँ, हाँ, जल्दी जाओ। हाँ। hey, तू ही है क्या पुजारी फिल्म का डायरेक्टर? डायरेक्शन तो करना चाह रहा था पर अब कोई दूसरा कर रहा है, मैं सिर्फ असिस्टेंट हूँ। असिस्टेंट हो या प्रेसिडेंट हो, फिल्म से जुड़े हो ना। ए इसे उठा लो, डायरेक्टर भी मिल जाएगा। अरे? इस आइटम को छोड़ दो। सर 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 आप कहाँ जा रहे हैं सर? देखो ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, आज से ही शूटिंग हिटिंग करना चाहते हैं। सर सर कल अपनी गांव की जमीन बेचकर मैं आपको पैसे ला कर दूंगा सर। सर मुझे हीरो बनाइए सर, सर भूलिए नहीं सर। रवि पहले जो सुनाया था वो अच्छा था, क्योंकि जब हीरो गाता है ना वहाँ हीरोइन भी होती है, ठीक है तो वहाँ थोड़ी फीलिंग होनी चाहिए, वही बजाओ तो अच्छा रहेगा। यही घर है क्या? चल अंदर चल। ए, ये सब कौन है और ये क्या तलवार कोयता लेकर आए हैं? सर ये लोग। आप ही हैं क्या पुजारी फिल्म के डायरेक्टर? हाँ भाई मैं ही हूँ पुजारी फिल्म का डायरेक्टर, स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग डायरेक्शन मेरा ही है, कोई समस्या है क्या? ए, हमारे भाई के बारे में क्या जानते हो जो फिल्म बना रहे हो? ए, एक आइटम सॉन्ग दो रेप सीन और फाइट दिखाकर भाईगिरी की पिक्चर बनाओगे क्या? हमारे भाई के नाम की वाट लगाओगे क्या? देखो भाई एक आइटम सॉन्ग फाइट रेप सीन दिखाने से भाईगिरी की फिल्म हो जाएगी, ऐसा थोड़ी है। मैं ये फिल्म इसलिए नहीं बना रहा हूँ ताकि ये जेस मार काट लूट मार खून खराबा ये सब दिखाकर ढेर सारे पैसे कमाओ। एक आदमी कैसे गुंडा बनता है, उसकी मजबूरी क्या होती है, वो बुराई का रास्ता क्यों अपनाता है, इससे समाज पर कितना अन्याय और अत्याचार होता है, इससे कौन कौन कैसे कैसे फायदा उठाता है, ये बताना चाहता हूँ। ये बात है सर,